नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। और आज फिर से जीएस का एक नया टॉपिक लेकर आपके बीच मौजूद हैं। आज हम जीएस में पढ़ने वाले हैं भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन। कैसे हुआ भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन? देखो बच्चों, बहुत सारी यूरोपियन कंपनी आई भारत के अंदर, इन्होंने अपनी कोठी, कारखाने, कंपनी वगैरह ये सब लगाए। ठीक है, तो इस क्रम में हम याद रखेंगे कौन कौन सी कंपनी आई है भारत के अंदर, उसको याद करेंगे एक ट्रिक के द्वारा। ट्रिक क्या रहेगी? पुत्र अड़ा, डेड फंसा। देखो बच्चों, पुत्र से रहेगा पुर्तगाली, ऐसे रहेगा अंग्रेज, और इस डे से रहेगा डच, अगला डे से रहेगा डेनिश, फैसे रहेगा फ्रांसीसी, सासे रहेगा स्वीडिश। देखना बच्चों, जो पुर्तगाल से आए हैं, जो लोग पुर्तगाल से आए हैं इन्हें क्या कहेंगे हम? पुर्तगाली। अंग्रेज किन्हें कहेंगे? जो इंग्लैंड से आए हैं या ब्रिटेन से आए हैं। डच किन्हें बोलेंगे हम बच्चों? जो नीदरलैंड से आए हैं, नीदरलैंड का प्राचीन नाम होलैंड है। नीदरलैंड का प्राचीन नाम क्या रहेगा? होलैंड रहेगा। डेनिश किन्हें बोलेंगे हम? डेनिश जो डेनमार्क से आए हैं। फ्रांसीसी जो फ्रांस से आए हैं। स्वीडिश जो स्वीडन से आए हैं। ठीक है, ज़्यादातर डाउट किन में बनता है? डच और डेनिश में। डच का पता लगा लिया है, नीदरलैंड या होलैंड से आए हैं, और जो डेनमार्क से आए हैं उन्हें क्या बोलेंगे हम? डेनिश बोलेंगे। अब बात करते हैं ये कंपनी भारत के अंदर कब कब आई और इनका आगमन कब हुआ, यानी कि पुर्तगालियों का आगमन कब हुआ और पुर्तगालियों ने अपनी कंपनी कब लगाई, उन सब के बारे में बात करेंगे बच्चों। देखना, पुर्तगाली आते हैं 1498 में, लेकिन भारत के अंदर इनकी कंपनी लगाई जाती है। कंपनी लगाई गई 1498 में ही, सॉरी, कंपनी लगाई गई, आते हैं कब? 1498 में कंपनी लगाई गई। 1503 में कहाँ पर लगाई गई? कोचीन में लगाई गई। अगली बात करते हैं डच। डच कब आए? 1602 में आए। डच आए 1602 में, लेकिन कंपनी कब लगाई इन्होंने कंपनी लगाई 1605 के अंदर। कहाँ पे लगाई? मसूलीपट्टनम, जगह पड़ती आंध्र प्रदेश। कोचिन जगह पड़ती है केरल राज्य में, केरल। नंबर तीन पे रहेगा अंग्रेज। वैसे ट्रिक में हमने लिखा है पहले अंग्रेज को, लेकिन अंग्रेजों की कंपनी बच्चों बाद में लगी थी, इसलिए मैंने इस क्रम को थोड़ा सा बदल दिया है। अंग्रेज कब आए हैं? 1600 ईस्वी में। ठीक है, इनके आगे भी ईस्वी लगा लेंगे हम। अंग्रेज कब आए हैं? 1600 ईस्वी में, लेकिन अंग्रेजों की जो कंपनी है वो लगी है 1608 में। और 1608 में जो कंपनी है ये कहाँ लगी है? सूरत नामक जगह पर लगी है। और ये सूरत नामक जगह कहाँ पड़ती है? गुजरात राज्य में। ठीक है, और इसके बारे में एक तथ्य और याद रखेंगे। ये तथ्य क्या है कि जब अंग्रेज आए, पहला अंग्रेज आया था कैप्टन हॉकिंस, पहला अंग्रेज आया बच्चों कैप्टन हॉकिंस, और ये किसके दरबार में आया? भारत में किसका राज चल रहा था? जहांगीर का राज चल रहा था। जहांगीर से इसने परमिशन मांगी कंपनी लगाने की, और कंपनी लगाने की परमिशन कब दे दी जहांगीर ने? 1608 में। तो इन्होंने पहली कंपनी कब लगाई? 1608 में, लेकिन
कैप्टन हॉकिंस और जहांगीर दोनों के बीच में कैप्टन हॉकिंस और जहांगीर दोनों के बीच में एक विवाद हो जाता है, मतभेद हो जाता है। इसके दौरान क्या होता है, ये कंपनी है जो बननी शुरू हो गई थी, इसका काम रोक दिया जाता है। फिर क्या होता है, ये लोग यहाँ से पलायन कर जाते हैं, यानी कि अंग्रेज हैं जो सूरत से पलायन करके कहाँ पे चले गए, मसूलीपट्टनम में चले गए, ठीक है। और ये जगह कहाँ पे बताई हमने, आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे चले गए अंग्रेज। कब गए, यहाँ पे कंपनी लगाई, यहाँ पे कंपनी इन्होंने कब लगाई है, 1611 ईस्वी के अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होता है, इनका मतभेद कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब दोबारा से इस कंपनी का काम शुरू कर दिया जाता है और ये कंपनी बनकर तैयार हो जाती है, कौन सी, सूरत वाली, सूरत वाली जो कंपनी है बनकर तैयार हो जाती है कब, 1613 में, 1613 ईस्वी में। फिर मुख्य रूप से सूरत को ही इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया या मुख्य व्यापार का केंद्र बनाया। मुख्य व्यापार का केंद्र कौन सा रहा है अंग्रेजों का, सूरत रहा है, जो गुजरात में पड़ता है बच्चों। और ये किस नदी पर है, आपसे पूछे तो ताप्ती नदी पर है, किस नदी पर है, ताप्ती नदी पर, ताप्ती नदी पर रहेगा सूरत। अगले बात करते हैं हम, इसको एक बार साफ कर देते हैं ताकि हमारा जो कर्म है वो व्यवस्थित तरीके से चलता रहे। आगे बात करते हैं नंबर 4 पर, अंग्रेज के बाद, यानी कि पहले आए पुर्तगाली, दूसरा डच, अंग्रेज, फिर आए कौन, डेनिश। डेनिश, डेनिश कब आए हैं बच्चों, 1616 में आए हैं, 1616 में। और इन्होंने अपनी जो कंपनी है, यानी डेनिश है जो, डेनमार्क के लोग, इन्होंने अपनी जो कंपनी है वो लगाई है 1620 में। और कहाँ पे लगाई है, तंजौर ज़िले में, तंजौर ज़िले के अंदर। यहाँ पे आपको जगह मिल सकती है ट्रैंकोवर, ट्रैंकोवर ज़िला कौन सा था, तंजौर, जगह का नाम है ट्रैंकोवर, पड़ती कहाँ पे है, तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य के अंदर, ठीक है। अगला रहेगा अपना फैसे फ्रांसीसी, फ्रांसीसी भारत के अंदर आते हैं 1664 में। लेकिन भारत के अंदर जो इनकी कंपनी लगती है वो लगती है 1668 के अंदर, 1668 के अंदर। और बच्चों ये कंपनी भी कहाँ लगी है, सूरत में लगी है, सूरत गुजरात के अंदर, ठीक है। और स्वीडिश का हमने केवल एक चीज़ को पता करना है बस हमें, और वो चीज़ है क्या, ये कब आए थे भारत के अंदर, स्वीडिश, स्वीडिश आते हैं भारत के अंदर 1731 में। और कंपनी वगैरह के बारे में, इसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे हम, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, ठीक है ये सब। और आगे पढ़ेंगे हम एक एक करके, जैसे फर्स्ट कौन आए हैं, पुर्तगाली, अब बात करेंगे पुर्तगाली कैसे आए हैं भारत के अंदर।